हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ आईटीआई का रिजल्ट ऑनलाइन आपके फ़ोन या कंप्यूटर पर निकालने की सबसे शॉर्टेस्ट और आसान ट्रिक। तो फ्रेंड्स, आज की इस ट्रिक को सीखने के लिए चलते हैं हमारी स्क्रीन पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको स्क्रीन नज़र आ रही है, आईटीआई रिजल्ट के लिए हमें सबसे पहले हमारे फ़ोन या कंप्यूटर में गूगल ओपन करना है। मैंने ऑलरेडी गूगल को ओपन किया हुआ है। गूगल ओपन हो जाने के बाद गूगल के सर्च बॉक्स में हमें NCVT रिजल्ट लिखकर इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद जो हमें परिणाम प्राप्त होंगे, जो सर्च रिजल्ट प्राप्त होगा, उस पर जो सबसे पहले नंबर का जो परिणाम है उसको आप देख सकते हैं NCVTMIS.gov.in --validate लिखा हुआ है। ये NCVT ITA के रिजल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर जाने के लिए हमें इस लिंक पर क्लिक कर देना है। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आप सीधे रिजल्ट के लिए वेबसाइट पर पहुंच चुके हैं। इस वेबसाइट को ओपन हो जाने के बाद आप देखेंगे ऊपर की तरफ लिखा हुआ है ट्रेनी मार्कशीट। ट्रेनी मार्कशीट के नीचे सर्च क्राइटेरिया का सेक्शन बना हुआ है। इस सर्च क्राइटेरिया के सेक्शन में जो पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वो है रोल नंबर ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन नंबर। इस सर्च बॉक्स में आपको जिस रोल नंबर का आपको रिजल्ट निकालना है वो रोल नंबर टाइप करना है। तो फ्रेंड्स, आपको पूरा प्रोसेस दिखाकर अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक रोल नंबर टाइप कर दिया है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। बगल में ऑप्शन दिया हुआ है एग्ज़ाम सिस्टम का। एग्ज़ाम सिस्टम के ऑप्शन पर क्लिक करने पर हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, सेमेस्टर और एनुअल। यहाँ पर दो ऑप्शन इसलिए दिए हुए हैं कि 2018 से पहले ITA के जो एग्ज़ाम्स थे वो सेमेस्टर सिस्टम पर होते थे और अब फिलहाल ये एनुअल सिस्टम यानी वार्षिक पद्धति पर आयोजित हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें हमारा एग्ज़ाम का जो सिस्टम है, जिस एग्ज़ाम पद्धति पर हमने अपना एग्ज़ाम ITA का दिया है उसे सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर हम एनुअल एग्ज़ाम सिस्टम सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नीचे ऑप्शन पर आते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि ईयर का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर हम सेमेस्टर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सेमेस्टर के विकल्प खुल जाते हैं कि आप किस सेमेस्टर का रिजल्ट यहाँ चेक करना चाहते हैं। पर यहाँ पर हम एनुअल का एग्ज़ाम सिस्टम का रिजल्ट चेक करने वाले हैं तो हम एनुअल सेलेक्ट करेंगे। तो एनुअल के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन खुले हैं वो ऑल, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। हम जिस भी ईयर का एग्ज़ाम का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है। और अगर हम दोनों ही ईयर का रिजल्ट आ चुका है देखना चाहते हैं हम, तो ऑल करके दोनों का रिजल्ट सिमिलर यानी कंसोलिडेटेड रिजल्ट देख सकते हैं। पर फिलहाल इस स्टूडेंट का केवल फर्स्ट ईयर का ही रिजल्ट शो होगा, इसलिए मैं फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट ईयर सेलेक्ट कर लेने के बाद मैं सर्च कर देता हूँ। सर्च करने के बाद हमारा सर्च का रिजल्ट है वो खुल गया है। स्टूडेंट का जो रिजल्ट है ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले सर्च रिजल्ट में स्टूडेंट्स की जो डिटेल्स है वो दी हुई हैं। यहाँ पर आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आपको जो ये रिजल्ट खुला है ये बिल्कुल सही कैंडिडेट का ही रिजल्ट खुला है। सबसे पहले दिए हुए हैं कैंडिडेट के रोल नंबर, उसके बाद ट्रेनी का नाम जिसका ये रिजल्ट है, एकेडमिक सेशन जिस सेशन में उसका एडमिशन है, ट्रेड का नाम है, एग्ज़ाम का सेशन है, किस सेशन का उसने ये एग्ज़ाम दिया है और किस सेशन का ये रिजल्ट शो हो रहा है, ITA का कोड है जिसमें एडमिशन है और उसी ITA का नाम है, और उसके बाद लास्ट में ओवरऑल रिजल्ट दिया हुआ है जैसे कि यहाँ पर नज़र आ रहा है पास। नीचे की तरफ समेटिव असेसमेंट वाले सेक्शन में आप एक शीट नुमा बनी हुई देख रहे हैं। इसमें सभी सब्जेक्ट्स जिसका उसने एग्ज़ाम दिया है वो सब लिखे हुए हैं। इसके साथ ही मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स यानी जो पासिंग मार्क्स है वो लिखे हुए हैं, और लास्ट में मार्क्स सिक्योर्ड यानी जो स्टूडेंट ने अंक प्राप्त किए हैं उनकी डिटेल्स दी हुई है। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे फॉर्मेटिव असेसमेंट सब्जेक्ट वाली जो लिस्ट है उसमें लास्ट में फॉर्मेटिव असेसमेंट का ऑप्शन विषय के साथ दिया हुआ है। उसके साथ उसके मैक्सिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स और मार्क्स सिक्योर्ड जो उसने प्राप्त किए हैं इसमें वो दिए हुए हैं। यहाँ इसके बारे में मैं आपको बता दूँ, ये अंक आपके ITI संस्था द्वारा आपकी साल भर की परफॉर्मेंस के आधार पर भेजे गए अंक है। नीचे आप देखेंगे टोटल नंबर, टोटल दिया हुआ है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स का टोटल किया हुआ है और मार्क्स सिक्योर्ड यानी जो अंक स्टूडेंट ने प्राप्त किए हैं उनका टोटल किया हुआ है। तो ये स्टूडेंट का ओवरऑल रिजल्ट है जो कि आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप इस वीडियो की मदद से अपना ITI का रिजल्ट देखना सीख गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें जिससे आपको हमारी आगे आने वाली इस तरह की कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।